हेलो गाइस, तो अगर आपने कभी इन दो यूट्यूबर्स के बारे में नाम सुना है या इनका कोई कंटेंट देखा है तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपके मशहूर यूट्यूबर्स भी अब कंटेंट को करने लगे हैं कॉपी। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो बड़े यूट्यूबर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे GFX मेंटोर के बारे में, और सेकंड नंबर पे सबका फेवरेट जो आप लोग बहुत शौक से देखते हैं, इरफान जुनेजा। तो इन दो यूट्यूबर्स के बारे में मैं इससे पहले एक बात करना चाहूँगा कि आजकल हर तरफ जो है वो कॉपी कंटेंट चल रहा है, एक का कंटेंट उठाया और दूसरे पे पेस्ट कर दिया, तो भाई यही चल रहा है हर तरफ। तो रिसेंटली GFX मेंटोर ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी विच इज़ रिलेटेड टू AI, जो AI से रिलेटेड नहीं, एक्चुअली फ्रेम सिर्फ इतना ही है असली, बाकी सब का सब फेक है। उन्होंने पूरा एक बैकग्राउंड बनाया था AI से रिलेटेड। तो भाई उन्होंने अपनी वीडियो में सिर्फ इतना बताया कि ये मैंने वीडियो एक यूट्यूब चैनल से देख के बनाई है, इस तरह का एक छोटा बहुत कोई हवाला दिया। मैंने ये टेक्निक यूट्यूब पर देखी एक और चैनल ने। सो द क्वेश्चन इज दैट के इन्होंने कौन से कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट को कॉपी किया है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो में लगा था फुल रूम विद अ लार्ज विंड। तो गाइस देखा आपने कि कैसा मतलब डिट्टू कॉपी छापा हुआ है, यहाँ तक कि बैकग्राउंड तक उसी तरह का है। तो इनको ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था, अगर करना चाहिए तो क्रेडिट तो देना चाहिए था ना। इतने बड़े यूट्यूबर का अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत मतलब ये तो वही वाली बात है कि हम जब इंडियन यूट्यूबर्स को देखते हैं, उनकी मूवीज़ देखते हैं कि वो अपनी मूवीज़ तमिल से कॉपी कर रहे होते हैं, हॉलीवुड से कॉपी कर रहे हैं। एक बड़ी मानी जानी फिल्म द किलर, हम सब ने देखी इरफान खान की फिल्म, लेकिन इन द एंड हमें ये पता चला कि टॉम क्रूज की मूवी उन्होंने डिट्टू छाप दी। तो जब ये बात लोगों को पता चली तो लोग बहुत मतलब कॉपी कंटेंट से ना लोग बहुत बेजार होते हैं कि यार कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए, कॉपी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इरफान जुनेजो के बारे में। जुनेजो भाई ने रिसेंटली अपने यूट्यूब वीडियो पे एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी जो येलो टाइटल के हवाले से थी। तो उसके बाद उस टाइटल को तो भाई कॉपी करने की भरमार लग गई पाकिस्तान में। तो भाई ढेरों टिकटॉकर्स शॉर्ट्स वाले सब टक 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 करके ना सब ने वही टाइटल उठा के डाली और वीडियो क्या कहते हैं सब ने वो टाइटल को कॉपी करा और उसके बाद वीडियोस अपलोड करने लगे। मतलब सारा पूरा जो जहाँ है हर बंदा कॉपी कैट बना। चलो छोटे यूट्यूबर्स और शॉर्ट्स वाले जो टिकटॉकर्स हैं उनका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन भाई इंडियंस भी आप क्या कहते हैं जुनेजो को टाइटल को फॉलो करने लग गए और उन्होंने भी अपनी आहिस्ता करके वीडियोज़ बनाए बड़े बड़े। मैं आपको एक दो स्क्रीन शॉट दिखाऊँगा, लेकिन इसमें बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने थंबनेल का येलो और रेड बैकग्राउंड का जो मिक्सचर कॉपी किया ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो क्या कहते हैं बहुत ही पुराना एक इंडियन गाना है ब्लैक एंड वाइट दौर का, उसमें वो एक टाइटल मैंने देखा था कि वो येलो और रेड बैकग्राउंड का टाइटल वहाँ पे यूज़ हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इरफान जुनेजो ने वहाँ से कॉपी किया हो। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, या शायद मैं गलत हूँ या मेरी परसेप्शन गलत है। तो फिलहाल मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इसी अपने पन के साथ, कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।